हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए सेकंड ईयर। आज हम अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत स्टूडेंट्स हरित क्रांति का। किसका अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स? हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन यानी हरा, रिवॉल्यूशन यानी बदलाव या परिवर्तन। स्टूडेंट्स जैसा कि हम सब जानते हैं या फिर हमने जब ग्रामीण समाजशास्त्र का जब अध्ययन प्रारंभ किया था स्टूडेंट्स, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत देश की जनसंख्या जो है लगभग कितने प्रतिशत, 70% जनसंख्या जो है स्टूडेंट्स कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास करती है। यानी भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से किस पर आधारित है स्टूडेंट्स? कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। अतः जो ग्रामीण आर्थिक समृद्धि है, क्या है स्टूडेंट्स? जो ग्रामीण आर्थिक समृद्धि है ये पूर्णतया कृषि की समृद्धि पर ही निर्भर करती है। यानी ग्रामीण एरिया में, गांव में जो अर्थव्यवस्था है उसका जो विकास होता है वो किसके हिसाब से होता है? कृषि के हिसाब से ही होता है, क्योंकि कृषि की जो समृद्धि है वो ही उनके गांव की समृद्धि या गांव का विकास या फिर गांव की उन्नति जो है मानी जाती है। इसीलिए स्टूडेंट्स हमारे भारत देश में भी पश्चिमी देशों के समान कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए क्या किया गया? अनेक वैज्ञानिक प्रयत्न किए गए। तो इन वैज्ञानिक प्रयत्नों के अंतर्गत जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति भी एक कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयत्न है जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक वैज्ञानिक एवं सुनियोजित प्रयत्न जो है किए गए। किसके समान? पश्चिमी देशों के समान। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे यहाँ हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। तो प्रारंभ में जो दो पंचवर्षीय योजनाएं आई उनके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादन पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, किंतु हमारी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात जब उसका मूल्यांकन किया गया स्टूडेंट्स, तो मूल्यांकन के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि हमारे भारत देश में जो है खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ना चाहिए। यानी खाद्यान्न उत्पादन में हमारा भारत देश जो है कैसा होना चाहिए? आत्मनिर्भर होना चाहिए। और ये भारत देश जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर कब होगा? जब विभिन्न प्रकार की जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं, वैज्ञानिक प्रयत्न हैं, उन वैज्ञानिक प्रयत्नों को अपनाकर क्या किया जाएगा? उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस वजह से हमारे भारत देश में जो कृषि के क्षेत्र में जो संकट था, उस संकट को हल करने के लिए धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के जो तकनीकी प्रयत्न हैं या वैज्ञानिक प्रयत्न जो है उनको अपनाया जाने लगा। साथ ही साथ कृषि विकास की जो नई नीति या फिर व्यूह रचना जो तैयार की गई, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो वैज्ञानिक
जाना जाता है। भारत देश में जो है हरित क्रांति जो है 1966-67 के अंतर्गत जो है प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई स्टूडेंट्स? 1966-67 से कृषि क्षेत्र में जो तकनीकी परिवर्तन है वो हमारे भारत देश में प्रारंभ हुआ, यानी बदलाव या परिवर्तन जो है मुख्य रूप से इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स जो हमारी गेहूँ की फसल है या गेहूँ का उत्पादन जो है उसको बढ़ाने का मुख्य रूप से प्रयास किया गया। तो इसीलिए हरित क्रांति के पश्चात जो हमारे भारत देश में जो उत्पादन देखा गया वो किसके अंतर्गत देखा गया था? गेहूँ के अंतर्गत ही देखा गया था। तो हमारे भारत देश में कब हरित क्रांति प्रारंभ हुई? 1966-67 से। इससे क्या हुआ? अधिक उपज देने वाली जो किस्में थी, विशेष से मैंने आपको बताया था कि इसकी गेहूं की खेती में सिंचाई के उन्नत साधन, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं इत्यादि का जो प्रयोग है वो प्रारंभ हुआ। और इसी यानी कृषि के अंतर्गत जो विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, बीजों का प्रयोग और सिंचाई के जो नवीन साधनों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, तो ये कृषि की जो नई तकनीक थी स्टूडेंट्स इसी को ही क्या कहा गया? हरित क्रांति कहा गया। अब हरित क्रांति के जनक की जहां तक बात आती है स्टूडेंट्स, तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो माने जाते हैं एस स्वामीनाथन। कौन माने जाते हैं स्टूडेंट्स? एस स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तथा विश्व में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मन बॉरलॉग। कौन माने जाते हैं स्टूडेंट्स? नॉर्मन बॉरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन तथा विश्व में नॉर्मन डी लगा दीजिए, नॉर्मन डी बॉरलॉग जो है वो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये नॉर्मन डी बॉरलॉग जो है स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम गेहूं की उपज बढ़ाने के लिए नए किस्म के बीजों का विकास किया। नॉर्मन डी बॉरलॉग ने क्या किया? सर्वप्रथम गेहूं की जो उपज थी उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने नए किस्म के बीजों का विकास किया। और स्टूडेंट्स ये देखिए इनका जो प्रयास है वो सफल भी रहा, क्योंकि इनकी बनाए बीजों से गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई और इसी वृद्धि को जो है इस नाम से जाना गया, हरित क्रांति के नाम से जाना गया। ये उन्होंने कहा किया मैक्सिको, इसमें नॉर्मन डी बॉरलॉग जो है जिन्होंने फिश में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते उन्होंने मैक्सिको के अंतर्गत गेहूं उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीजों की एक ऐसी किस्म तैयार की जिसकी वजह से क्या है, गेहूं की बंपर पैदावार हुई, गेहूं का उत्पादन काफी बड़ा। इसीलिए उनको क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। और मुख्य रूप से मैंने आपको ये भी बताया कि हरित क्रांति के अंतर्गत जो है गेहूं के उत्पादन में भी मुख्य रूप से वृद्धि हुई, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग और साथ ही साथ जो सिंचाई के नए साधन हैं स्टूडेंट्स उन साधन सिंचाई के उन्नत साधनों के प्रयोग की वजह से क्या हुआ? उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई। और यही कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इसे कि किस नाम से जाना गया स्टूडेंट्स? हरित क्रांति के नाम से जाना गया। अब इसकी कुछ विशेषताओं को देखने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट्स। किसकी?
कुछ विशेषताओं को देखने का प्रयास करते हैं हम। तो सबसे पहले जैसा कि नॉर्मल भी वर्णन ने किया, क्या किया, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया। क्या किया, यानी नॉर्मल भी वर्णन में मैंने आपको बताया उन्नत किस्म के बीजों को बनाने के लिए प्रयोग किए और उनका जो प्रयोग था वो सफल रहा। और क्या हुआ स्टूडेंट्स, गेहूं की बंपर पैदावार हुई। तो सबसे पहली विशेषता जो आती है कि हरित क्रांति क्या है, जिसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया और विशेष रूप से केंद्रीय अंतर्गत गेहूं उत्पादन के अंतर्गत, तो उसकी वजह से बंपर पैदावार हुई। और यही चीज जो है किस नाम से जानी गई, हरित क्रांति के नाम से जानी गई। दूसरा महत्वपूर्ण जो रासायनिक उर्वरक है, किसका प्रयोग किया गया है, रासायनिक उर्वरक, क्योंकि कितनी बार होता था कि फसलें जो है खराब हो जाती प्राकृतिक प्रकोप की वजह से, या फिर जो कीट वगैरह जो आते थे उनकी वजह से जो है फसलें खराब हो जाती है, या फिर उत्पादन में उत्पादन इतना अच्छा नहीं हो पाता था। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे उर्वरकों का प्रयोग किया गया जिसकी वजह से जो है उत्पादन बढ़ सके। तो ये भी हरित क्रांति का ही एक महत्वपूर्ण प्रयास था। तीसरा जो है स्टूडेंट्स, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बंद कराया, प्राकृतिक प्रकोप हो जाता था उसकी वजह से जो फसलें हैं नष्ट हो जाती थी। अभी लेटेस्ट हम देखे, हमने देखा टिड्डियों का जो हमला हुआ, तो इस प्रकार के हमले या कीटों के हमले को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशक उनकी खोज की गई, उनका प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से जो समय व्यय जो फसलें बर्बाद हो जाती थी गाँव में उन फसलों को बचाया जा सके। साथ ही साथ यदि वो फसलें बचेंगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत कीटनाशक दवाओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिसकी वजह से धीरे धीरे कीटों का जो प्रकोप है वो कम हुआ और उत्पादन भी लगातार क्या होती थी, वृद्धि की। मैंने आपको बताया हमारे भारत देश की जो कृषि है स्टूडेंट्स वो बहुत ही पिछड़ी दशा में थी, यानी जो भी कृषि से संबंधित जो भी कार्य किया जाता था वो किससे किया जाता था, हाथ से, यानी फसल बोनी है, बीज बोने हैं, काटना है, निराई गुड़ाई से संबंधित जो भी चीजें हैं, साथ ही साथ जब फसल काटने के बाद उनमें से गेहूं को निकालना या अन्य जो मूंग वगैरह को निकालना, वो सारे कार्य जो है स्टूडेंट्स किससे होते थे, हाथों से ही होते थे। तो उनमें क्या है, समय अधिक लगता था। तो धीरे धीरे जब हरित क्रांति आई तो हमारे भारत देश में कृषि से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं उन यंत्रों का प्रयोग जो है स्टूडेंट्स वो प्रारंभ हुआ। तो अनेक कार्य जिनको करने में ही भारतीय किसान जो है ग्रामीण व्यक्ति जो है उनको लग जाते थे, अब वो कार्य जो है किसके द्वारा होने लगे, मशीनों के द्वारा होने लगे। तो मशीनों की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे उत्पादन में जो है बढ़ने लगा और ये उत्पादन में वृद्धि ही किसका एक रूप माना गया स्टूडेंट्स, हरित क्रांति का एक रूप माना गया। नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट्स वो आता है कृषि से संबंधित शोध, यानी जब इस प्रकार की खोजें हुई या नॉर्मल बॉर्डर जो है उन्होंने इस प्रकार की उन्नत किस्म की बीजों को बनाने का प्रयास किया या उन्नत किस्म की बीज बनाए तो उससे उत्पादन में वृद्धि हुई। तो धीरे धीरे ये चीजें देखकर हमारे भारत देश में भी अनेक जो कृषि वैज्ञानिक थे वो विभिन्न प्रकार की कृषि से संबंधित क्या करने लगे, शोध करने लगे, खोजें करने लगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे केवल गेहूं के उत्पादन में ही वृद्धि हुई बल्कि जो अन्य जो फसलें होती थी चावल मूंग ज्वार बाजरा जो भी कुछ था उन सब में भी क्या धीरे धीरे उनसे संबंधित भी ऐसे जो उन्नत किस्म के बीज हैं उनका उत्पादन शुरू हो गया,
हमारे भारत देश में क्या हुआ, उत्पाद हर क्षेत्र में यानी केवल गेहूं के क्षेत्र में ही नहीं, अन्य जो खाद्यान्न और दूसरे थे उनमें भी उत्पादन में वृद्धि हुई। नेक्स्ट जो आता है भूमि परीक्षण छोड़ा, फसल ना बोई जाती है स्टूडेंट्स, भूमि नहीं बोई जाती है, किंतु कितनी बार हम देखते हैं मिट्टी की वजह से अपरदन कटाव इत्यादि वजह से क्या होता है, अनेक बार जो फसलें होती हैं वो स्टूडेंट्स खराब हो जाती है। तो धीरे धीरे इन सब का पता लगाने के लिए शोध में कटाव अपरदन की वजह से फसलें बर्बाद हो जाना इत्यादि जो चीजें होती थी उनके बारे में भी धीरे धीरे क्या है खोज प्रारंभ हुई। मिट्टी का परीक्षण, भूमि से संबंधित परीक्षण, कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षण जो है प्रारंभ हुए। तो आए दिन नित नई खोजी करके इस कृषि से संबंधित जो समृद्धि थी, कृषि से संबंधित जो उन्नति थी या कृषि से संबंधित जो विकास था उसको बढ़ाने का धीरे धीरे प्रयास किया गया। अंतिम और महत्वपूर्ण जो विशेषता आती है स्टूडेंट्स हरित क्रांति की वो आती है भूमि संरक्षण की नई तकनीक का विकास। यानी मैंने आपको बताया कृषि से संबंधित विभिन्न शोध हो रहे थे, पहले नहीं होते थे, लेकिन जब से हरित क्रांति जो है भारत देश में प्रारंभ हुई, अनेक जो है अधिक उपज देने वाले बीजों का की वजह से उत्पादन हुआ, कृषि से संबंधित शोध हुए, भूमि से संबंधित मैंने आपको बताया मिट्टी से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षण हुए, और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि उत्पादन का टाव या विभिन्न प्रकार के दीमक या कीट लग जाना है, विभिन्न प्रकार की जो कृषि से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, कीट जो आते हैं उनके हमला करते हैं, तो इनसे संबंधित जो है विभिन्न प्रकार की खोजें जो हुई, तो धीरे धीरे भूमि जो है जो किसी कारणवश खराब हो जाती थी, उत्पादन कम देने लग जाती थी, उस भूमि का संरक्षण जो है किस प्रकार से किया जा सके, उस भूमि को कैसे बचाया जा सके, उस भूमि की लवणता अपरदन या कटाव जो है उसको किस प्रकार से बचाया जा सके, इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की नई नई तकनीकें जो है जिनकी खोज जो है प्रारंभ हो गई, जिसकी वजह से क्या है स्टूडेंट हमारे भारत देश में भूमि का संरक्षण जो है प्रारंभ हुआ, और धीरे धीरे जो है विभिन्न खोजों के आधार पर जो हरित क्रांति के द्वारा विभिन्न तकनीकी जो अपनाई गई उनके आधार पर धीरे धीरे क्या हुआ उत्पादन में वृद्धि हुई, और उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ ही क्या हुआ स्टूडेंट्स हमारा जो भारत देश है वो कृषि से संबंधित जो या फिर यूँ कह लीजिए कि हमारे भारत देश में जो कृषि से संबंधित जो अर्थव्यवस्था थी उसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ।